हेलो एंड वेलकम टू क्रिक मैच। दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आगाज आज से हो गया है। पहला मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने पहले मैच के पहले ही दिन 500 से अधिक रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच के पहले दिन 500 या उससे अधिक रन बनाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जहां पे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1910 में 494 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर एक ही दिन में बनाया था। पाकिस्तान में 17 साल बाद टेस्ट मैच खेल रही इंग्लैंड की टीम ने इस टेस्ट मैच को पूरी तरीके से यादगार बना दिया है। उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं पहले दिन के खेल होने तक। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 506 रन बनाए हैं, वो भी मात्र 75 ओवर में, जिसमें उन्होंने 7.25 के रन रेट से रन बनाए हैं। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है कि मैच के पहले ही दिन खिलाड़ियों ने 400 लगाए हों, तो वो भी इस पारी में देखने को मिला है। अगले रिकॉर्ड की बात करें तो टेस्ट मैच के पहले सत्र में सबसे ज्यादा 174 रन का रिकॉर्ड भी इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया है। अगला रिकॉर्ड ये है, जैक क्रॉली और बेन डेकेट ने मिलकर सबसे तेज दोहरे शतक की जो साझेदारी की है, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। दोस्तों, रिकॉर्ड की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जैक क्रॉली ने 86 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और टेस्ट में इंग्लैंड के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं हैरी ब्रूक भी इंग्लैंड के लिए सबसे तेज टेस्ट में शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। और हैरी ब्रूक और बेन डेकेट ने अपने टेस्ट कैरियर का पहला शतक भी इसी मैच में लगाया है। बात करें मैच की तो पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने पर 4 खोकर 506 रन बना लिए। जैक क्रॉली और बेन डेकेट ने मिलकर जोरदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 216 गेंदों में 233 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। इस दौरान दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक भी पूरे किए। दोनों के आउट होने के बाद ओली पोप और फिर अपने कैरियर का दूसरा मैच खेल रहे हैरी ब्रूक ने भी शतक लगाए। इंग्लैंड ने 4 पारियों की बदौलत रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन मैच 75 ओवर में 4 खोकर 506 रन जोड़े। और फिलहाल क्रीज पर ब्रूक 81 गेंदों में 101 रन पर नाबाद हैं और बेन स्टोक्स 15 गेंदों में 34 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, कल इस टेस्ट मैच में क्या होता है, इंग्लैंड कितनी तेज गति से और रन बनाता है। इंग्लैंड जो ये क्रिकेट खेल रहा है वो बैच बॉल क्रिकेट बोलते हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि जब से ब्रेंडन मैकुलम इनके कोच बने हैं तब से इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में भी अपना रवैया पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, खेलने का तरीका पूरी तरीके से बदल दिया है। तो कल ये देखना होगा कि इंग्लैंड और कितनी तेजी से रन बनाता है और कब डिक्लेयर करता है, पाकिस्तान किस तरीके से बैटिंग करता है। विकेट तो एकदम पाटा विकेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ज्यादा कुछ बॉलर्स को मदद है नहीं। शायद लेटर पार्ट ऑफ द टेस्ट मैच यानी 4th या 5वें दिन में आपको टर्न देखने को मिलेगी, बाकी तो ये एकदम फ्लैट विकेट है। तो कल मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, कल दूसरा दिन है इस टेस्ट मैच का।